हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरी सारी वीडियोस में इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं, तो अगर आपको बिना सबटाइटल्स के वीडियो देखनी है तो आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पे जाना है और इस सीसी पे क्लिक करना है। सबटाइटल्स हट जाएंगे और आप वीडियो विदाउट सबटाइटल्स एंजॉय कर सकते हो। सो आज का डे स्टार्ट होता है बैक टू स्कूल शॉपिंग के साथ। कितना एक्साइटिंग होता है सारा, वापस स्टेशनरी का नया नया सामान लेना। मुझे बचपन में बहुत पसंद था कुछ नई बुक्स जब भी आती थी उनको देखना, या नए बैग्स या लंच बॉक्सेस। हम लोग गए वॉलमार्ट, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं और जो भी बेसिक सामान लेना था वो सारा अवेलेबल था अंडर वन रूफ, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके अलावा एज ऑलवेज अगर किसी स्टोर जाओ और ग्रोसरी सेक्शन ना जाओ, डैट्स इम्पॉसिबल। ये मेरे को फोल्डेबल कटलरी दिखी थी बट इट वॉज वेरी हार्ड टू ओपन, तो मैंने उसको रख दिया। एंड फॉल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो फॉल का भी काफ़ी सारा स्टफ था, तो क्विकली लिया सारा सामान। और सारा सामान लेने के बाद हम लोग स्ट्रेट गए घर पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ लंच बॉक्स रेसिपीज। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई है अभी बैक टू स्कूल का जितना भी सामान है सिवाय स्टेशनरी के, बैग्स, लंच बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्स, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। अमेजोन भी बेटर ही था वैसे, है ना भाई? मेरे को याद है गैस भी डलवानी है। सो मच वर्क टू डू। स्कूल की शॉपिंग का थोड़ा बहुत सामान लेके आए जो आप साथ में शेयर करती हूँ। दिखाना, ये वाला लेके आए बैग, इसको प्रिंसेस एल्सा का बैग लेना था। ऑल दो मार्शल्स में काफी अच्छे बैग थे बट वो थोड़े से साइज में बड़े थे, नहीं तो मेरे को मार्शल में एक बैग बहुत पसंद आया। इसको हमने पना के भी देखा बट वो काफी बड़ा लग रहा था तो हमने उसको स्किप कर दिया। मेरे को ये वाला नहीं लेना था बट इसको यही वाला पसंद आया तो हमें यही लेना पड़ा। और यहाँ पे ना बैग पे ऐसे लेबलिंग के लिए बोलते हैं, आई थिंक बहुत सारी जगह बोलते होंगे, तो लेबल मेकर मैंने एक लिया था जिसके बारे में आपको भी विद इन अ मिनट दिखाती हूँ। सुपर इजी, स्पेशली अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो। और यहाँ पे ना मैंने ये एक ये वाला भी टैग ले लिया सो दैट इसका नेम यहाँ लिखा हो। और ये सब करने के बाद मुझे बाद में पता लगा कि बैग के पीछे ऑलरेडी लिखा था, लेबल एक लगा हुआ था जिसके आप नाम, जिसपे आप नाम लिख सकते हो। तो यस, एंड देन हम एक ये वाला लंच का कवर लेके आए हैं। तो लंच बॉक्स मेरी मॉम ने ऑलरेडी इंडिया से भेजा था इसके लिए, लास्ट मंथ जब सनी इंडिया गए थे तब मम्मा ने साथ में लंच बॉक्स भेजा था। तो एक कवर आ गया था तो उसको भी प्रिंसेस एल्सा के थीम का ही चाहिए था, तो बर्थडे थीम भी यही थी और बहुत ऑब्सेस्ड है। और ये वाला पेंसिल बॉक्स भी सनी इंडिया से लेके आए थे इसके लिए, प्रिंसेस एल्सा अगेन। और इसमें बस मैंने बहुत ज्यादा सामान नहीं रखा है स्टेशनरी का, जस्ट एक पेंसिल है, इरेजर है, दैट्स ऑल। बाकी स्कूल वाले देख लेंगे जो भी वो बताएंगे। एंड देन ये वाला लेबल मेकर है जो मैं आप लोगों को बता रही थी, इट इज सो इजी टू यूज यार। इसमें इतना, मतलब मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ जो मैंने आपको कोई नई प्रोडक्ट्स लिए हैं किचन और घर के लिए, उसमें दिखाऊंगी। बस बटन प्रेस करना है, फोन पे कमांड देना और एक छोटा सा लेबल निकल के आ जाएगा बाहर, तो ये बहुत ही हैंडी आया। और ना मैंने लास्ट ईयर भी शार्लेट के टीचर्स के लिए, जैसे टीचर एप्रिसिएशन डे होता है या वैलेंटाइन डे होता है या आई वुड से हॉलीडेज का टाइम होता है, तो मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजती थी टीचर के लिए। और इस बार अभी सिंस ये फर्स्ट टाइम टीचर से मिलने वाली है तो मैंने इसके लिए टीचर के लिए गिफ्ट बनाया है। इट इज सो प्रिटी, मतलब जैसे मैंने सोचा था ऑलमोस्ट वैसा ही बना है। तो यहाँ पे टैग पे मेरे को गिफ्ट कार्ड लेना है टिम हॉर्टन का, जो मैं अभी रास्ते से जाके ले लूंगी। एंड देन चॉकलेट्स हैं, शार्पीज हैं और ये लिप बाम है, प्लस ये जो मैंने टम्बलर लिया है ये इतना क्यूट लगा मुझे, तो मुझे बताना है कैसा लगा आपको आइडिया। टीचर्स को अप्रिशिएट करना बनता ही है भाई, वो बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, वो भी एक साथ इतने सारे बच्चों का, तो ये मैंने इसके टीचर के लिए बनाया है। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। और अभी मैं इसके कुछ ना लंच बॉक्स रेसिपीज को प्लान कर रही हूँ इस कमिंग वीक में, तो कुछ रेसिपीज आपको दिखाती हूँ लंच बॉक्स की, अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करने से पहले टाइम था हम लोगों के लंच करने का, तो मैं क्विकली लंच बनाती हूँ इन माई न्यू किचन अप्लायंस जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। I recently received this Typhoor Dome air fryer. It's a large capacity air fryer, comes with a manual where you can just download the app, available on both Play Store and App Store. It is voted as the best large capacity category air fryer of 2024 reviewed by USA Today, which is quite an achievement. You can register online for 3-year warranty using the app. It's a dome-shaped air fryer. The capacity is 5.6 quarts with non-stick ceramic coating. This air fryer is rated number 1 in the cooking speed as it cooks 30% faster than the air fryer currently available in the market. It features whisper quiet operation because of the minimal noise. The basket is non-stick ceramic basket and is dishwasher friendly, which is such a good point.
The dome shaped design offers 200% more heat exchange surface area. Since it's quite spacious air fryer, it's the perfect size for big families too. Air fryer has 10 preset mode from fries, wings, steak, bacon, frozen to air fryer, roast, broil, toast and dehydrate. One of the best feature is you will get a notification once your food is ready. That makes it so easy and convenient. If you are outside, you will get a notification that the food is ready and you can come in and enjoy hot delicious food from this air fryer. Is it crispy? Yeah, mommy. There is another brilliant feature in this, which is their unique cleaning mode, which I have not seen in any air fryer I have used. So in this modern era, definitely an air fryer is a must have in your kitchen. If you're also interested in checking out this Typho Dome air fryer, please check out the link in the description box. There is also a discount code for all of you so that you can save some dollars. It is at a very reasonable price at the moment. You can find the Typho Dome air fryer on Typho website and also on Amazon. I know weekdays ka pressure bahut zyada hota hai. Every day jaise hamara question hota hai aaj khane mein kya banaye, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन होता है कि आज लंच बॉक्स में बच्चों को भी क्या डाल के दे सो डेट डब्बा खाली आए. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लेना, बिकॉज अगर मेरे को इस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिलेगा आपके कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, देन डेफिनेटली मैं इसका पार्ट टू लेके आऊंगी एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारा प्यार मिलने ही वाला है. रेसिपीज इतनी इजी और टेस्टी है. लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करूँ तो ऑब्वियसली कुछ मीठा तो शेयर करना ही है, तो इस वीडियो में मैं दो डिजर्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ. पहली है ये चॉकलेट फज ब्राउनी. बहुत इजी रेसिपी है इसकी. जितनी भी रेसिपीज मैं इस वीडियो में आज शेयर कर रही हूँ वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, सो डेट आपके लिए ईजी हो मेजरमेंट चेक करना. चॉकलेट फज ब्राउनी के लिए मैंने बटर और चॉकलेट चिप कुकी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है एंड देन मेल्ट करके उसको साइड में रखा है कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए. इन द मीन टाइम मैंने एग के अंदर वाइट शुगर डाली है, उसके अलावा इसमें कॉफ़ी, ऑयल, सॉल्ट हल्का सा और इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस को मिक्स किया है. अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो चॉकलेट हमने मेल्ट करी है वो वाला सारा मिक्सचर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रखना है. दूसरे बोल में मैं ऐड कर रही हूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसके अंदर मैंने ऐड करा है मैदा, कोको पाउडर और उसके अलावा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर. उन सबको मिक्स करना है एंड देन वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है. तो सब कुछ एक साथ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से दोबारा आपको मिक्स करना है. बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है एंड इसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करने हैं. मेरे पास वॉलनट्स ख़त्म हो गए थे बट मेरे को वॉलनट ब्राउनी बहुत पसंद है, तो जब ये सब मिक्स हो जाए तो लास्ट में जब आप इसे ग्रीसिंग पैन में डालोगे ऊपर से आप इसमें काफ़ी सारे वॉलनट्स ऐड करना. मेरे पास वॉलनट्स नहीं थे तो यहाँ पर मैंने आलमंड्स ऐड करे और उसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अवन में रखा फॉर 35 to 40 मिनट्स. आफ्टर 35 मिनट्स ब्राउनी बनके रेडी हो गई है. इसको चेक करने के लिए आपको टूथपिक लेके उसको एकदम सेंटर में चेक करना है कि अच्छे से पकी है नहीं पकी है. तो कम्प्लीटली क्लीन बाहर आई है. इसको ठंडा होने का थोड़ा वेट कराया मैंने और उसके बाद ब्राउनीज़ को पीसेस में कट करना है. आप इसे बाइट साइज भी कट कर सकते हो या कोई भी क्यूट कुकी कटर से अलग अलग शेप्स भी दे सकते हो. ब्राउनी एकदम परफेक्ट बनी है. थोड़ा सा मैं आपको एकदम जूम इन करके दिखाती हूँ तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और मीठा भी एकदम परफेक्ट है. इसको आप पैक करके रख सकते हो इन द फ्रिज फॉर 7 to 10 डेज. सो जो रेसिपी मैं अभी बना रही हूँ वो है एग बाइट्स. बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत क्विकली बन जाते हैं. प्रेप टाइम काफी कम होता है तो जो अर्ली मॉर्निंग का रश होता है वो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको इसको जस्ट क्विकली सब कुछ असेंबल करके अवन में रखना है और इन द मीन टाइम आप बच्चों को रेडी कर सकते हो. ये इजी लंच बॉक्स रेसिपी विद इन 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाती है. बोल में मैंने इसमें लिया एग्स. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 एग्स. 3 एग में ऑलमोस्ट 4 मफिन्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं. उसके अंदर मैं ऐड करूँ व्हिपिंग क्रीम, सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर. उसको अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है वो आप ऐड कर सकते हो. मैं इसमें ऐड करूँ स्पिनिच, कैरेट, टमेटो, अनियंस. इसमें जुकीनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है. एंड देन लास्ट में इसमें ऐड करनी है चीज़. दोबारा सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक बेकिंग ट्रे के अंदर आपको हल्का सा ऑयल लगाना है. तो एक बूंद ऑयल आप किसी भी बेकिंग ट्रे में डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. एंड देन उसके अंदर ये बैटर को पोर करना है. पोर करने के बाद इसको अवन में लगाना है और विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपके एग मफिन्स रेडी हो जाएंगे.
मंडे के लंच में मैं पैक कर रही हूँ ये इजी एग बाइट्स, उसके साथ है टोस्ट और साथ में चीज पैक कर रही हूँ, साथ में है टोमेटो केचप और उसका एक फेवरेट फ्रूट। सुपर सिंपल, सुपर इजी रेसिपी एंड आई एम श्योर आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। ट्यूसडे को मैं पैक कर रही हूँ पोटैटो पैनकेक। इसके लिए पोटैटोस को अच्छे से आपको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद जितना ग्रेटेड पोटैटो है उसको पानी में डाल के रखना है फॉर गुड 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद आपको पोटैटोस निकालने हैं और अच्छे से सारा पानी इसमें से स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें डालने वाली हैं, सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और उसके अलावा 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच बेसन और ग्रीन अनियन। इनको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एक पैन पे हल्का सा तेल लगाना है और इसके पोटैटोस के पैनकेक बनाने हैं। सुपर सिंपल येट सुपर टेस्टी। साथ में मैं पैक कर रही हूँ टोमेटो केचप, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे कोई सेवरी डिशेज होती हैं तो केचप काफ़ी अच्छी लगती है उसके साथ। क्रिस्पी पोटैटो पैनकेक के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्लाइस छोटे छोटे बटर्ड ब्रेड के। उसके अलावा मैं यहाँ पे रख रही हूँ हर्ब्स एंड गार्लिक की चीज़, साथ में है स्ट्रॉबेरी और टोमेटो केचप। सुपर क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये और ट्यूसडे का लंच बॉक्स सॉर्टेड है इन लेस देन 15 मिनट्स। तो वेंसडे को बनाते हैं हेल्दी काला चना चीला। उसके लिए मैंने 1 कप काले चने लिए हैं, सोक कर रहे थे पूरी रात, उसके अंदर डाला 1 कप पानी। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा है धनिया, उसके अलावा हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और बहुत सारी करी पत्ता। 1/2 कप मैंने ऐड करी है इसमें सूजी और 3 चम्मच दही। अच्छे सबको करना है ब्लेंड और ब्लेंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको 5 मिनट के लिए रखना है साइड में। इन द मीन टाइम जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आप इसको स्प्रेड करो। बहुत ही यमी बनता है ये और इसका ना इतना टेक्सचर इतना क्रिस्पी हो जाता है। उसके साथ में जो डिप है वो मैं सिंपल जो एक दही होती है दही के अंदर हल्की सी हरी वाली चटनी मिक्स कर देती हूँ और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। साथ में मैंने डाला है ओट्स कुकीज़ जो मैंने अभी बनाई है, विच आई एम गोइंग टू शेयर, और उसके ऊपर एक मेडलाइन। वेंसडे लंच सॉर्ट आउट है, हाई प्रोटीन, अमेजिंगली डिलीशियस एंड कुक्ड इन लेस देन 20 मिनट्स। ये चने के चीले के बैटर को आप फ्रिज में 5 डेज तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो और कभी भी कुक कर सकते हो एट योर कन्वीनियंस। सो थर्सडे लंच बॉक्स रेसिपी में है एक यमी लोडेड चिकन वेजिटेबल सैंडविच जो बहुत इजी है और जो 20 मिनट्स के अंदर अंदर बन के रेडी हो जाता है। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रेड पेपर एंड येलो पेपर, साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ अनियंस। उसके अलावा मैंने चिकन को ऑलरेडी 2 दिन पहले मैरिनेट करके रखा था। बेस्ट बात यह है कि इस चिकन को आप मैरिनेट करके अप टू 4 डेज तक फ्रिज में रख सकते हो। और इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्ट, पेपर, साथ में मैंने इसमें एक मैक्सिकन सीजनिंग डाली है अलॉन्ग विद सम गार्लिक पाउडर। ये चिकन को मैंने एयर फ्रायर में लगाया है और उसके साथ ही वेजिटेबल्स भी रख दिए हैं। वेजिटेबल साथ में क्रिस्पी हो जाएंगी। विद इन 15 मिनट्स में चिकन रेडी हो जाएगा बट वेजिटेबल आपको 10 मिनट्स बाद ही निकालनी है, अदरवाइज वेजिटेबल बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी। तो पहले मैंने वेजिटेबल निकालनी है बट उससे पहले जितने टाइम बचा है उसके अंदर साथ के सारी चीज़ें पैक करते हैं। तो मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ कुछ उसके फेवरेट एप्पल्स, उसके अलावा उसके फेवरेट गो चीज़, हर्ब्स एंड गार्लिक फ्लेवर है, बहुत अच्छी है, अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो डू ट्राई दिस। एंड देन अभी 5 मिनट्स और थे चिकन कुक होने में बट अब मैंने वेजिटेबल्स सारी निकाल ली है और चिकन को थोड़ा टर्न करने के बाद 5 मिनट्स और लगाए। तो कंप्लीट टाइम लगा 15 मिनट्स जिसमें 10 मिनट्स में वेजिटेबल बाहर निकाली एंड देन 5 एक्स्ट्रा मिनट्स और लगे चिकन को अच्छे से बनने में। ब्रेड पे मैं लगाई थोड़ी मेयोनीज, उसके बाद सारी वेजिटेबल अलोंग विद सम लेटस। एंड देन असेंबल करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने चीज नहीं डाली, तो इसमें मैंने चीज डाली है, एकदम क्रंची क्रिस्पी बना है। ट्राइंगल्स में मैंने इसको कट कर लिया है सो डैट ईजी हो बच्चों के लिए खाना। एंड देन उसके साथ मैंने पैक करी है टोमेटो केचप, थोड़े से ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज एंड आर लंच इज रेडी इन लेस देन 20 मिनट्स।
फ्राइडे आते आते मोटिवेशन भी लो होनी स्टार्ट हो ही जाती है, और उसके लिए बहुत ये इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/4 कप ओट्स, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 पूरा बनाना, एंड देन साथ में ऐड कर रही हूँ 1 होल एग और सिनेमन पाउडर। अगर आपको एग यहाँ पे ऐड नहीं करना है तो आप मिल्क ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, एंड देन पैन पे हल्का सा बटर लगाने के बाद इसके छोटे छोटे पैनकेक्स बना लेने हैं। सुपर ईजी रेसिपी है पैनकेक्स की, और बहुत ही यमी और बहुत सॉफ्ट पैनकेक्स बनते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स आपको इनको फ्लिप करना है, और जो ट्रेडिशनल पैनकेक्स होते हैं मैदे वाले, उसके मुकाबले तो ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। ऑल्दो ये काफ़ी स्मूथ बनते हैं, तो इनके साथ मैं ऐड कर रही हूँ आज फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, बनाना साथ में है, काफ़ी सारे ग्रेप्स, और उसके अलावा एप्पल्स। इनके साथ अगर ब्लूबेरी हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं टॉप इट ऑफ कर रही हूँ मेपल सिरप के साथ। इन केस मेपल सिरप नहीं है तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हो। और ये छोटे छोटे मैंने फ्रूट पिक्स में लगाए तो अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने रखी है न्यूटेला की क्यूट सी बॉटल, और हमारा फ्राइडे का लंच बॉक्स रेसिपी भी इजीली सॉर्ट आउट हो गया है। लंच बॉक्स रेसिपीज़ की शुरुआत हुई थी डेजर्ट के साथ, तो एंड भी एक डेजर्ट के साथ ही होगी। यहाँ पे रूम टेम्परेचर का बटर है जिसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वाइट शुगर, और वाइट शुगर के बाद आपको डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी, और इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इन द मीन टाइम दूसरे बोल में मैं यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप मैदा ले रही हूँ, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बेकिंग सोडा, उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सिनेमन, थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद 1 कप भर के ओट्स, और उनको अच्छे से करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद जो पहले वाला बोल है उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है वनीला एसेंस, और इसके बाद इसमें मैंने क्रैक करा है 1 फुल एग। अगर आपको एग नहीं डालना है आप यहाँ पे दूध ऐड कर सकते हो। उनको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, और इसके अंदर आप अपने फेवरेट जो इसे भी आपके फेवरेट नट्स हैं वो ऐड कर सकते हो, इवन पम्पकिन सीड्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। और बॉल्स बना के इनको रखना और थोड़ा चम्मच से दबाना है सो डैट कुकी अच्छी शेप ले ले। इसमें आप इनकी साइज़ और भी छोटे कर सकते हो, एंड देन विद इन 20 मिनट्स में कुकीज़ बन के रेडी हो जाती हैं, जो आप स्टोर कर सकते हो फॉर गुड 7 डेज, और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में एवरी डे पैक करके दे सकते हो, जस्ट लाइक दोज ब्राउनी जो हमने बनाई थी पहले स्टार्टिंग में। सो आई होप ये 5 लंच बॉक्स रेसिपीज आपको बहुत हेल्प करे, और आप अपने बच्चों के लंच में रोज कुछ क्रिएटिव और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऐड कर पाए। सो मैं आपको मिलूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन फ्राइडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।